हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? जो पीछे पढ़ाया था कुछ रिवाइज वाइज किया है? बोले सर कौन ही लॉकडाउन में रिवाइज करता है, पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करके आया करो क्लास। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? केमिकल काइनेटिक्स तो पढ़े थे, हमें भी बताया, लेकिन उसमें क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन किए थे। अच्छा, क्या इंट्रोडक्शन में करे थे? रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे, और ये भी तो बताया था आपको कि केमिकल काइनेटिक्स किस टाइप के रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, कौन सा रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स अप्लीकेबल है ये तो पिछले लेक्चर में बताया था। बताओ किसके लिए बेटा? मॉडरेट रिएक्शन के लिए, ये मैंने बता दिया था ना आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आइए रेट ऑफ रिएक्शंस को थोड़ा और डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है? मैंने बताया था ना, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट का भी कंसेंट्रेशन चेंज करता है और प्रोडक्ट का भी कंसेंट्रेशन चेंज करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आइदर आप रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट भी बता दिया था मैंने आपको, क्या? मोल पर लीटर, टाइम इनवर्स। यदि गैसियस रिएक्शन रहा तो एटीएम टाइम इनवर्स बताया था ना। ठीक है, तो आज हमारा मकसद क्या है बच्चा, कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को राइट कैसे करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन को हम राइट करने वाले हैं। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेशन को राइट करने के लिए हमें कुछ टर्म समझना होगा, जैसे रेट ऑफ एप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस, ये सारे टर्म हमें समझने होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और क्या रेट ऑफ अपीयरेंस स्टार्ट करने वाले। चलिए देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस एंड क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस के बारे में पढ़ने वाले। अब हम बात कर रहे हैं डिसअपीयरेंस का मतलब क्या। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब क्या, यानी रिएक्टेंट के घटने का रेट। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब क्या, प्रोडक्ट के बढ़ने का रेट। ठीक है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो बात कर रहे हैं, आर ओ डी किसके लिए बात करते हैं, फॉर रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए। क्योंकि टाइम के अनुसार रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करता है, अब प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए बात करेंगे, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस जो बात करेंगे फॉर प्रोडक्ट, जैसा कि आप जानते हैं ना कि टाइम के अनुसार रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस को हम रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन आप बता दूं, रेट ऑफ अपीयरेंस को क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। इतना समझने में किसी को दिक्कत है, बोलो, कोड आउट नहीं ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेट ऑफ अपीयरेंस भी जान गए, डिसअपीयरेंस भी जान गए। अब एक बात पहले आपसे पूछता हूं, रेट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, आप पढ़े होंगे भी, कभी सुने भी होंगे। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। यानी टाइप्स ऑफ रेट की बात करें, टाइप्स ऑफ रेट की बात करें, रेट इन सेंस ऑफ क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट दो टाइप का, कौन कौन, एवरेज, एवरेज रेट और क्या इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो एवरेज रेट कब बात करते हैं, यानी एवरेज रेट ये एक तरह का रेट है, और कब निकालना, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में, यानी मेजर इन क्या, लॉन्ग टाइम इंटरवल। ठीक है,
इन लॉन्ग टाइम इंटरवल रेट मेजर्ड इन क्या? लॉन्ग टाइम इंटरवल, लॉन्ग टाइम इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है? रेट मेजर इन क्या? बोलो, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। और वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल को आप इस तरह से भी आप ट्रीट कर सकते हो, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हो। अरे टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, यानी डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसका मतलब आप क्या किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड, यानी रेट मेजर एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, यानी रेट मेजर्ड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रेट निकालना हो तो भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करें, ठीक है। यानी एवरेज कब निकालना? लॉन्ग टाइम इंटरवल में। इंस्टेंटेनियस कब निकालना है? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इट मीन्स क्या? एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बोले हम, ठीक है। कट आउट नहीं ना? चलो अब हम बात करने वाले हैं कि एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तो बता दिया रेट कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो हम लोग बाद अब क्या करेंगे, एवरेज क्या? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड किसके बारे में बात करेंगे, एवरेज रेट ऑफ एप्रियंस, ठीक है। शॉर्ट में लिखे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ एप्रियंस, कट आउट। तो देखिए कैसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एवरेज रेट ऑफ एप्रियंस के बारे में बात करेंगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस टू बी से फोर सी बन रहा है। अब हमें कह रहा है एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो, इसका मीनिंग क्या है, कैसे लिखोगे? माइनस डेल ए बाई क्या? डेल टी। अरे रेट का मतलब क्या? चेंज पर टाइम, यानी चेंज किस में? कॉन्सेंट्रेशन में आप बात कर रहे हैं तो, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। अब क्या कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब समझ लो, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल रहा है, इसका मतलब क्या? माइनस डी ए बाई माइनस डेल ए बाई डेल टी, माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। अब बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी लिखोगे, बोलो कैसे लिखोगे? माइनस डेल बी अबाई क्या? डेल टी। समझ में आ रहा है, ठीक है। उस तरह से बताओ एवरेज रेट ऑफ एपरियंस या फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे लिखोगे, बोलो, ठीक है। प्लस डेल सी बाई डेल टी लिखोगे ना? अरे बोलो भाई, क्या एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल बी बाई डेल टी। एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी प्लस डेल सी बाई डेल टी, ठीक है। कट आउट नहीं ना? सबको टर्म का मीनिंग समझ में आ गया कि एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। कट आउट नहीं ना? ठीक है, इन टर्म सबको एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखने आ गया, बोलो, ठीक है। अब एक बात देखो, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिए। एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। कहीं मैं लिखा हूं क्या? नहीं, नहीं लिखा हूं, ध्यान दे दो, ठीक है। चलो अब हम ये तो लिखना बताया कि एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने लिखना बताया।
अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी बात है ना। नोटेशन तो अभी बताया हूं सिर्फ कि किस तरह से लिखना है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो तो देखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ से कैलकुलेट करना बताता हूं। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह ग्राफ दिया गया है और आपको कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो, यानी माइनस डेल ए वाई डेल टी की वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालने मतलब माइनस डेल ए वाई डेल टी निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे बोलो। अब हमें ग्राफ में वैल्यू मालूम है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2। अब बताओ कैसे लिखोगे, माइनस पहले लगा दोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे लिखोगे। T2 टाइम पे कितना है C2, यानी C2 माइनस C1, अब आ गया T2 माइनस T1, अरे डेल का मीनिंग जानते हैं ना। ठीक है, चेंज लिखते हैं तो फाइनल माने से नहीं चल, वही तो किया T2 टाइम पे कितना C2 है ना, T1 टाइम पे कितना C1 कंसंट्रेशन है, रख दिया वैल्यू कोड आउट, तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने आ गया। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे आप। ठीक है, ध्यान दो ना। अब हम एक बात कर रहे हैं, देखिए उसी तरह से रेट एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना बता रहा हूं। मान लिया कोई सी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका सी कोई प्रोडक्ट है जिसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया। ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ है देखिए, और हमें कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालिए, यानी क्या निकालिए, प्लस डेल सी बाई डेल टी की वैल्यू निकालिए। तो फिर क्या करना होगा, वही काम, टी वन टाइम पे क्या सी वन और टी टू टाइम पे क्या कंसंट्रेशन क्या है सी टू, मान ले रहा हूं। तो कैसे निकालोगे डेल, कैसे निकालते हो, प्लस C2 टू माइनस सी वन, अब आई गया बेटा बोलो T2 टू माइनस टी वन, निकल गया ना। ठीक है, कोड आउट, अरे बोलो कोड आउट, नहीं ना समझ में आया। ठीक है, अच्छा किसी ने बच्चे ने हमसे पूछा कि सर रेट तो निगेटिव आ रहा है, जैसे अभी आप पढ़ाए सर एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को आप लिख रहे थे माइनस डेल ए वाई डेल टी लिख रहे थे, तो किसी ने बोला सर आप ही तो अभी लिखे थे एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को, ऐसे लिखे थे ना 100% लिखा था, माइनस क्यों लगाया। माइनस इसलिए लगाया बेटा कि डिसअपीयर हो रहा ना, डिक्रीज कर रहा है ना, तो माइनस साइन क्या बताता है, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में माइनस लगाना, प्रोडक्ट में क्या लगाना प्लस लगाना, माइनस क्यों लगाना है, देखो टाइम के अनुसार रिएक्टेंट घटता है ना, बोलो कोड आउट, नहीं ना। ठीक है, प्लस क्यों लगाते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, अच्छा और एक बात बता दूं, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, चाहे डिसअपीयरेंस का रेट की बात करो चाहे अपीयरेंस का रेट की बात करो, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की बात करो, ठीक है, तो ये जो टाइम के अनुसार रिएक्टेंट क्या होता है घटता है, यानी चेंज क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये पहले से गया है नेगेटिव। देखिए ना, जैसे को ए से बी प्रोडक्ट है, समझ गया, ये 1 था 1 एम कंसंट्रेशन था, ये 0.0 था, ये 0.8 हो गया, ये 0.2 हो गया, तो मान ले एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, इसका मतलब क्या, माइनस डेल ए वाई डेल टी की वैल्यू निकालना है, तो माइनस डेल ए वाई डेल टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, फाइनल कितना 0.8, इनिशियल कितना बोलो 1, तो माइनस 0.2 आ जाएगा ना, आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस, इट मींस रेट कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, रिएक्टेंट में माइनस इसलिए लगाते हैं हम कि मेरा ऑलरेडी ये जो डेल ए वाई डेल टी है वो ऑलरेडी तो नेगेटिव आ रहा है ना, और माइनस लगा के रखेंगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। ठीक है, इसी कारण हम रिएक्टेंट से जब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो माइनस साइन लगा के लिखते हैं, और प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं प्लस साइन लगा के लिखते हैं। ठीक है, कोड आउट बोलो, नहीं ना। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट में हमेशा माइनस साइन लगा के लिखना, क्यों, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अनुसार डिक्रीज करता है, यदि माइनस साइन नहीं लगा कर रखोगे तो चेंज जब निकालोगे तो माइनस आ जाएगा,
वरना फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी माइनस आ जाएगा। इसी कारण हम पहले से माइनस लगा के रखते हैं कि चेंज जब निगेटिव आएगा और आगे माइनस लगा के रखोगे तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब ध्यान दो, सबको समझ में आया ये क्या है? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वो क्या है? एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ शी। गो डाउट नहीं ना? ठीक है, अब मैथमेटिकली निकालना बताता हूं। देखिए ये तो ग्राफिकली बताया, ध्यान दीजिए अब इंपॉर्टेंट है। जैसे a प्लस टू बी से 4c जा रहे हैं, हमको क्या लिखना है? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ a, तो डेल ए वाई डेल टी। उसी तरह से एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b लिखना है तो माइनस डेल बी वाई डेल टी। उसी तरह से एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c लिखना है तो प्लस क्या? डेल सी वाई डेल टी। ठीक है, चलो निकालते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? जब तक कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होगा तब तक आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू दे देता हूँ। चलो इसको मैं कुछ दिल लिख देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे ए प्लस टू बी से क्या बन रहा है? फोर सी। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। टाइम टी इक्वल टू टी पे ये ए माइनस एक्स हो गया, ये वी माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? टाइम टी इक्वल टू जीरो पे ये जीरो रहेगा ना, और ये कितना हो जाएगा? टू एक्स, फोर एक्स हो जाएगा ना, फोर एक्स हो जाएगा। ये सब करने आता है। ये ए था, ये बी था, ये टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कितना था? जीरो था। ये कितना हो जाएगा? ये घटेगा, ये भी घटेगा, वो बढ़ेगा, करने आता ना। अरे यार ए माइनस एक्स क्यों? कॉफिशेंट वन है ना, तो ए माइनस एक्स। कॉफिशेंट कितना? दो है ना, तो ए माइनस टू एक्स। ठीक है, यहाँ कॉफिशेंट कितना? फोर, तो यहाँ फोर एक्स लिखे। ठीक है, एक्स क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, बता चुके हैं। अरे एक्स को क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्स को बोलते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्स है मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कैसे डिफाइन करते हो? अमाउंट ऑफ, बताए थे, रिएक्टेड या फॉर्म, रिएक्टेड या फॉर्म और फॉर्म, और डिवाइडर भाई क्या करते हो? स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट। याद है कुछ? स्टैचोमेट्रिक ऑफिशियंट, स्टैचोमेट्रिक कॉफिशियंट। ठीक है बच्चा, अरे बोलो, कट आउट। उसी से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं, आपको पता है सब कुछ। ठीक है, और नहीं बताया तो जान लीजिए। इस तरह से लिखने में बहुत बार सिखा चुका हूँ बेटा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? माइनस डेल ए वाई डेल टी की वैल्यू हम निकालने चले थे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। माइनस ए का कंसंट्रेशन में चेंज, यानी कितना? ए माइनस एक्स और माइनस ए बाई टी, इट मीन्स क्या? एक्स बाई टी। यहाँ निकालो, बोलो माइनस बी माइनस टू एक्स और माइनस बी और वाई क्या? टी। क्या आ जाएगा यहाँ? अब 2x बाई टी आ जाएगा ना बेटा। यहाँ बोलिए क्या? प्लस 4x माइनस जीरो वाई टी, यानी कितना? 4x वाई टी। गोड आउट, बोलो नहीं ना? ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको मैं मिटाऊँ? ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आया। अरे क्या निकाल रहे हैं? एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसको मैं मिटा लेता हूं। अब जो इक्वेशन है उसको मैं सिर्फ लिख रहा हूं, माइनस डेल एक्स डेल ए बाई डेल टी की वैल्यू आया कितना? एक्स बाई टी, इक्वेशन वन मान लो। उसी तरह से वन बाई टू माइनस डेल बी बाई डेल टी यदि निकालोगे, ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा? एक्स बाई टी आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी अभी आप देखे थे। उसी तरह से वन बाई फोर प्लस डेल सी बाई डेल टी निकालोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो एक्स बाई टी आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी एक्स बाई टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। यानी रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप ए वाला का इस्तेमाल करके निकालो, चाहे बी वाला करके इस्तेमाल करके निकालो, चाहे सी का यूज करके निकालो, हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। यानी क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू आप ए का इस्तेमाल करके निकालो, चाहे बी वाले का इस्तेमाल करके निकालो, चाहे सी वाले का इस्तेमाल करके निकालो, हमेशा क्या आएगा, वो कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, यानी किसी ऐसा नहीं कि ए बा डी ए, यदि आप एक्सटेंट ऑफ रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए वाले का इस्तेमाल करके निकालो, बी वाले का इस्तेमाल करके निकालो, सी वाले इस्तेमाल करके निकालो, तो अलग अलग आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स बाई टी चाहे आप किसी से निकालो, ए से बी से सी से किसी का यूज करके निकालो, सब क्या होगा, हमेशा इक्वल आएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमेशा कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है, देखिए यहां से देखिए क्या लिख रहे हैं, देखिए माइनस, या पहले लिखता हूं एक्स बाई टी इक्वल टू क्या आया, बोलिए तीनों क्वेश्चन को एक साथ कर लीजिए, माइनस डेल ए वाई डेल टी माइनस डेल बी वाई क्या माइनस डेल बी वाई डेल टी, और बोलिए और आगे क्या लगा हुआ है, वन बाई टू लगा दिए, वन बाई टू और इक्वल टू क्या बेटा बोलो, वन बाई फोर प्लस डेल सी बाई क्या डेल टी लगा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, अरे बोलो। ठीक है, और एक्स बाई टी रेट ऑफ क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और वो हमेशा किसी भी रिएक्शन का हमेशा क्या आता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है। और एक्चुअल मायने में जो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इन एक्चुअल मायने में किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, यानी एक्स बाई टी के जगह पर क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बोल रहे हैं लेकिन आर ए वी जी लिखे हैं, मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाता है। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहला रहा है। ठीक है ना, ठीक है, गो डाउट बोलिए, नहीं ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू बोलिए, वन बाई टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू क्या बोलिए, वन बाई फोर क्या प्लस डेल सी बाई क्या डेल टी, बोलिए भाई, गो डाउट है बोलिए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना आ गया, सब बच्चे बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखने आया, समझ में आया सबको, कैसे लिखते हैं, क्या करना है। अरे भाई ए जो रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन बढ़िया बैलेंस होना चाहिए पहले का, विदाउट बैलेंस आप काम नहीं करेंगे। ठीक है, बैलेंस होने के बाद क्या करना, रेट ऑफ रिएक्शन किसी से भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं। देखिए ना, रेट ऑफ रिएक्शन ए का भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, बी का भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, सी का भी इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस से भी लिख सकते हैं, अपीयरेंस से भी लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप जिससे लिख रहे हैं उसका जो कोफिशियंट है, ठीक है, वो क्या है, देखिए तो यहाँ कोफिशियंट क्या है, वन है ना, तो यहाँ वन वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोफिशियंट क्या है, टू है ना, तो देखिए वन बाई टू से क्या है, मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ क्या है, फोर है ना, तो प्लस डेल सी बाई डेल टी में कितना से मल्टीप्लाई है, वन बाई फोर से मल्टीप्लाई है बेटा। ठीक है, अरे गो डाउट, नहीं ना, तो ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट में हम समराइज भी करेंगे। ठीक है, सबको एवरेज लिखने आ गया ना, ठीक है, एवरेज रेट लिखने आया ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखने आया ना, एवरेज, चलो अपीयरेंस लिखने आया, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस लिखने आया, चलो आ गया सबको। ठीक है, अब हम इंस्टेंटेनियस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे पहले पढ़ने आना चाहिए ना, जैसे ए प्लस ए सेम रिएक्शन लेते हैं, टू बी से फोर सी जा रहे हैं, यदि हमको क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है। ठीक है, एवरेज को डेल से लिख रहे थे,
तो इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखोगे? और डिसअपियर हो रहा था कौन सा साइन? माइनस साइन लगा, बोले था ना रिएक्टेंट में जब भी लिखना है तो माइनस साइन लगाओ, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट टाइम के अनुसार क्या होता है, घटता है ना, ठीक है। माइनस डेल, डेल नहीं, हम डेल के ऊपर क्या लगाएंगे, डी क्या ए बाई डी टी। अरे अब इंस्टेंटेनियस में बदल गया ना, आपको याद है ना मैथमेटिक्स, देखो अरे बताया था ना प्लस माइनस डेल बाय डेल टी, ये क्या था, एवरेज रेट था। अरे भाई वो तो पता ना कब प्लस लेना कब माइनस लेना, जब रिएक्टेंट का यूज करेंगे तो माइनस साइन, प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो प्लस साइन, यानी जब अप्रियंस लिखेंगे तो अप्रियंस लिखेंगे तो प्लस साइन और डिसअप्रियंस लिखेंगे तो माइनस साइन, ठीक है। ये तो एवरेज लिख रहे थे आप, अभी इसी को इंस्टेंटेनियस में बदलो तो क्या बोलते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो करते थे आप, याद करिए, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो इसके बदले क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डी, और यहां कंसंट्रेशन जो भी सब्सटेंस रहेगा उसका कंसंट्रेशन लेंगे आप, अब आई क्या करेंगे डी टी, ऐसे ही ना, ये क्या हो गया, अब ये इंस्टेंटेनियस हो गया ना, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया ना बेटा ये, ठीक है, प्लस माइनस डी कंसंट्रेशन जो भी पार्टिकुलर सब्सटेंस ए बी सी जो भी रहेगा उसका कंसंट्रेशन बाय डी टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो ध्यान रखना एवरेज में डेल से लिखना और इंस्टेंटेनियस में डी से लिखना, ठीक है, कोई डाउट? उसी तरह से बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, बोलो डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखोगे, बोलो बोलो जल्दी से, माइनस क्या डी बी बाई क्या डी टी, समझ में आ रहा है, बोलो भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ क्या, बोलो सी कैसे लिखोगे, बोलो बोलो बोलो, प्लस डी सी बाई डी टी, अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है सबको, कोड आउट बोलो, नहीं ना टर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे भाई कुछ नहीं है, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सबको लिखने आ गया, इंस्टेंटेनियस रहेगा तो डी लगाना और एवरेज रहेगा तो डेल लगाना, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रहेगा तो डी लगाना और एवरेज रहेगा तो डेल लगाना, सिंपल सी मीनिंग है, ठीक है, कोड आउट, नहीं ना, ठीक है। अब देखो ये तुम ये रिप्रेजेंटेशन बताया हमने, अब मैं आपको जो बताने वाला हूं ध्यान से सुने कि सर ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू हम ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो देखिए ग्राफ से भी निकालना सिखाता हूं, देखिए ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए जैसे मान लीजिए एवरेज बताया था ना ग्राफ से निकालना, ठीक है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे, अपीयरेंस को आप फॉर्मेशन भी बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो देखते हैं पहले डिसअपीयरेंस सिखा देते उसके बाद अपीयरेंस सिखा देंगे। देखो ये है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मान लीजिए रिएक्टेंट है उसका कंसेंट्रेशन दिया गया, ए मेरा क्या रिएक्टेंट रहता है, ठीक है, ये मेरा कोई रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया, ठीक है, और अब क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, इट मींस क्या माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है, यही ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ना, माइनस डी ए बाई क्या डी टी, ठीक है, और आपको पता होगा साइज मैथमेटिक्स में डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वाई वर्सेस एक्स ग्राफ, अरे डी वाई अपॉन डी एक्स का मीनिंग यही होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वाई वर्सेस एक्स कर्व, उसी तरह से डी ए वाई डी टी का मीनिंग यहां क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, और स्लोप का मतलब टेन थीटा आप जानते हैं, ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में यदि आप स्लोप निकाल दें तो वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल जाएगा, यानी जिस टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोल रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से होता हुआ क्या पास करा दिए, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको बोल रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, ठीक है, और जब किसी पार्टिकुलर टाइम पे बोले तो एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इंस्टेंटेनियस अपने आप हो गया, वहां नहीं भी बोले देगा तो आपको किसी पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक इंस्टेंटेनियस ही आपसे पूछ रहा है,
ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको बोलेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ, ठीक है, सिर्फ कि बोलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताओ एट 14 सेकेंड, यानी जैसे ही पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नाम ले लिया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इस पॉइंट से होता हो गया पास कराइए, टेंजेंट पास कराइए, और इस टेंजेंट का क्या निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए ना, ठीक है, वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की वैल्यू होगा, यानी माइनस, इसका मीनिंग क्या, ये कैसे फाइंड आउट होगा, स्लोप से, यानी निगेटिव ऑफ स्लोप निकाल लीजिए, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो क्या निकालिए, स्लोप को निकाल के माइनस कर दीजिए, यानी निगेटिव ऑफ स्लोप कर दीजिए ना। अब देखिए, किसी ने बोला सर कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कभी, कोई भी रेट, डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस किसी भी बात करें, रेट तो कभी निगेटिव होता नहीं। हाँ 100% बात है कि अब जो स्लोप निकल के आएगा इस लाइन का, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बताओ, इस लाइन का स्लोप निगेटिव होगा, और पहले से आपने क्या लगा कर रखा है, निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी कभी भी रेट हमेशा, ठीक है, ध्यान रखना, यानी कभी भी रेट की यदि बात करें तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, वो कभी निगेटिव नहीं आ सकता, किसी चीज का रेट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू में लिखते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, टर्म को पढ़ने आना ना, क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है, उसी तरह से मान ले कोई प्रोडक्ट सी मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन दिया गया और वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया, यहां देखिए, और क्या कर रहा है, फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, सी, यानी प्लस डीसी बाई डीटी की वैल्यू तुमसे मांग रहा है, ठीक है। अरे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब डी लिखेंगे ना, एवरेज रहता था तब ना हम, ठीक है, डेल लिखते थे, अब कैसे निकालोगे, अभी तो बताया डीवाई अपॉन डीएक्स का मीनिंग क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, ठीक है, मान ली इस पॉइंट पे थोड़ा सा खराब अच्छे से कर दूं, जिस पॉइंट पे निकालना, मान ली इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये टी वन टाइम पे निकालना, तो इस पॉइंट से होता है, और टेंजेंट पास कराओ, देखो टेंजेंट पास करा दिया, और इस टेंजेंट का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो ना, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, प्लस रहने देते हैं, और ये क्या है, स्लोप है ना, स्लोप, अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताया था, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उसी तरह से डीसी वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप निकाल देंगे वो डीसी बाई डीटी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना हो इंस्टेंटेनियस, तो स्लोप निकाल के निगेटिव, मतलब निगेटिव ऑफ स्लोप बोलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट बोले, ऐसे बोलता हूँ, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है तो निगेटिव ऑफ स्लोप निकाल दो, एवरेज रेट सॉरी एवरेज बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो क्या निकालो, पॉजिटिव ऑफ स्लोप निकालो, ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना तो निगेटिव ऑफ स्लोप निकालो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना हो तो पॉजिटिव ऑफ स्लोप की वैल्यू बता दो, गो डाउट नहीं ना, गो डाउट बोलो, पूछ लो, तो इंस्टेंटेनियस रेट ग्राफ से निकालना आ गया ना, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली बता देता हूं इसको, मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे देख लीजिए, जैसे ए प्लस टू बी से क्या जा रहा है, थ्री सी, या चलो जो लिखना है फोर सी लिखना तो फोर सी लिखो, जो लिखना चाहते हो फोर सी, चलो फोर सी लिख दिए, ठीक है। अब क्या है, माइनस डी ए वाई डी टी की वैल्यू फाइंड करो पहले, ठीक है, माइनस डी वाई डी टी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, ठीक है, ये भी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, ठीक है, प्लस डी सी बाई डी टी, और डी में लिखा है मतलब एवरेज या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ये आपको पता है ना, डेल में लिखेंगे तो एवरेज, ठीक है, समझ में आता है सबको, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, चलो इसकी वैल्यू पहले रख लेते हैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कितना, ए ये बी ये जीरो, एनी टाइम टी पे बात करें तो कितना, ये ए माइनस एक्स, ये बी माइनस टू एक्स, और ये कितना बेटा, फोर एक्स, ठीक है, फोर एक्स, गो डाउट नहीं ना, ठीक है, चलो लिखते हैं, माइनस डी एवाई डी टी की वैल्यू निकालो। अब देखो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में आप क्या करना कि ए का कंसंट्रेशन किस टाइम पे लेंगे, यदि टी टाइम पे हमको रेट रेट चाहिए तो हम टी टाइम पे कंसंट्रेशन लेंगे, वही तो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग है कि पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बात करना है,
तो यहां आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। इसका मतलब ए का हमें टी टाइम पे कंसंट्रेशन चाहिए ना, ठीक है। तो कैसे लिखा होगा, माइनस, अरे जिस टाइम पे रेट के बारे में बात करो उसी टाइम पे कंसंट्रेशन लीजिए उसका। हम टी टाइम पे ए के बारे में सोच रहे हैं तो टी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्स है बाई डी टी। तो यहां से क्या आ जाएगा, बोलिए ए तो कांस्टेंट है, अरे इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होगा ना, तो डी ए बाई डी टी क्या है, जीरो। अब क्या बचेगा, प्लस डी एक्स बाई डी टी बचेगा यहां से, ठीक है। उसी तरह से माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू निकालो, तो माइनस डी बी माइनस टू एक्स, अब आई क्या डी टी, यहां से क्या आ जाएगा टू इंटू क्या डी एक्स बाई डी टी, यहां देखो प्लस डी क्या फोर एक्स, अब आई क्या डी टी, तो क्या आ जाएगा फोर इंटू क्या डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। कोड आउट बोलो, अब तीनों क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहा हूं, देखिएगा। अब ये तीनों क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर देता हूं, ठीक है, रीअरेंज कर रहा हूं, देखिए क्या कर रहा हूं, रीअरेंज कर रहा हूं, यानी माइनस डी ए वाई डी टी इक्वल टू लिख सकते हैं आप डी एक्स वाई डी टी, अभी तो लिख इक्वेशन वन, यहां जो टू था इधर ट्रांसफर कर लो, क्या लिखोगे वन बाई टू माइनस डी वी वाई डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा डी एक्स वाई डी टी, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, उसी तरह से वन बाई फोर प्लस डी सी वाई डी टी इक्वल टू क्या लिखोगे डी एक्स वाई डी टी, और डी एक्स वाई डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे यदि आप रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो वो तो फिक्स्ड होगा, वो तो चेंज करेगा नहीं, ठीक है। तो रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए से निकालो चाहे बी से यूज करके चाहे सी से निकालो, तीनों से निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, यानी तीनों का वैल्यू यहाँ जब सेम आएगा, यानी डी एक्स बाई डी टी आप ए से इस्तेमाल करके निकालो चाहे बी वाले का चाहे सी वाले का, वैल्यू तो सेम ही आना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना क्या कि डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री से क्या लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो, बोलो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस डी ए वाई डी टी माइनस वन वाई टू माइनस क्या डी वी वाई डी टी, और बोलिए वन बाई फोर प्लस क्या बेटा डी सी वाई डी टी पुट आउट, और रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और ये कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, अरे एक्स बाई टी क्या है, रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक्स बाई टी तो हम रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बोलते थे, यहां डी लगाए हुए ना, तो डी एक्स बाई डी टी कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, बोलो आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी ए वाई डी टी इक्वल टू क्या, बोलो वन बाई टू माइनस डी वी वाई डी टी इक्वल टू क्या, बोलो वन बाई फोर प्लस डी सी वाई डी टी। यानी आपको क्या दिखा, बोलो, अरे आपको क्या दिखा, यही ना दिखा कि जहां एवरेज निकाल रहे थे वहां डेली इस्तेमाल करते थे, जहां इंस्टेंटेनियस निकालेंगे वहां डी इस्तेमाल करेंगे, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। जहां एवरेज लिखते थे वहां डेल लिखते थे, ठीक है, और जहां इंस्टेंटेनियस लिखे वहां क्या लिखे हुए हैं, डी लिखे हुए हैं, फिर सेम एक्सप्रेशन सब कुछ सेम, बस यहां वहां डेल के जगह पर डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहां पे डेल के जगह पर डी हो जाएगा, जहां एवरेज में डेल लिखते थे ना, यहां डी लिखोगे। एवरेज एक पार्टिकुलर हम ऐसे बोले, एवरेज जो बात करते थे एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करें तो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ये बोलो ये, या किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हो, ठीक है। यानी कि इंटरवल में निकालना, सिंपल सी भाषा में कहूँ कि सर एक इंटरवल में निकालना है, एक इंटरवल लॉन्ग टाइम इंटरवल में निकालना, तो आप एवरेज इस्तेमाल करो, पार्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है तो इंस्टेंटेनियस इस्तेमाल करो, कट आउट नहीं ना, ठीक है। अब इसको हम समराइज कर रहे हैं, इसको हम समराइज कर रहे हैं, देखिए इसको हम समराइज कर रहे हैं, समरी को समझिएगा, अब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
देखिए अल्फा ए, बीटा बी, डेल्टा सी और गामा डी को रिएक्शन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सब जो जो भी लिया, अल्फा बीटा ये भी क्या है बेटा डेल्टा, ये क्या है गामा, ठीक है जो भी लिया वो सब क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब हमें एवरेज रेट लिखना है, कैसे लिखोगे बोलो, अभी ने बताए थे क्या करोगे, वन बाई अल्फा माइनस डेल लिखोगे या डी लिखोगे, डेल लिखेंगे क्या, डेल ए बाई डेल टी, बोलो बेटा, रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट से भी लिख सकते हैं, कैसे इक्वल टू, चलो पहले सारे रिएक्टेंट से लिख लेते हैं उसके बाद प्रोडक्ट से लिखेंगे, इससे भी लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। वन बाई क्या बीटा माइनस क्या डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, और बोलो वन बाई क्या डेल्टा प्लस डेल सी बाई डेल टी, और बोलो वन बाई गामा प्लस डी डी बाई डी टी, बोलो भाई कोई दिक्कत, डी लिख रहा हूं सॉरी डेल ना, एवरेज लिख रहा है ना डेल, एवरेज लिख रहा है ना बेटा डेल लिखो। अब इंस्टेंटेनियस लिखना है, कुछ नहीं करो यार, जहां डेल लिखो वहां डी लिख दो, वन बाई अल्फा क्या माइनस डी ए बाई डी टी, अरे जहां यहां डेल लिखो वहां डी लिख दो ना, वन बाई बीटा क्या माइनस डी बी बाई डी टी, और बोलो वन बाई डेल्टा प्लस डी सी बाई डी टी, और बोलो वन बाई गामा बोलो प्लस डी डी बाई क्या डी टी। सबको टर्म का मीनिंग समझ में आया पूरा, पहले वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस लिखने सबको आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है समझ में आया इतना, ठीक है। अब क्या है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से भी लिख सकते हो और प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो, किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा ये टर्म क्या कहला रहा है, क्या कहला रहा है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या सिंपल सी भाषा में बोलो ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और डेल लगाए इसका मतलब एवरेज है, अरे ये भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, लेकिन दोनों मंत्र क्या है, ये एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और ये क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखे ना, यानी सिंपल सी भाषा में, ठीक है माइनस डी ए बाई डी टी को आप बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या सिंपल सी आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल सकते हैं, वो तो आपको पता है जैसे डी लिखे इसका मतलब वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस हो गया, और डेल में लिखे हो तो क्या हो गया एवरेज हो गया। ये पूरा टर्म नहीं कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये सिर्फ ये टर्म कह रहा है ना, सिर्फ ये टर्म, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये भी क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है, वो अलग बात है एवरेज लिख रहे हैं तो सब जगह एवरेज जोड़ लेंगे हम, ठीक है। ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है, ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है, ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी है। टर्म का मीनिंग सबको क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, ठीक है। एक बात इंपॉर्टेंट, दोनों रेट दोनों तरह से लिखने आना चाहिए, ठीक है सबको। अच्छा सर हम एवरेज कब लिखेंगे इंस्टेंटेनियस कब लिखेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जब एक इंटरवल में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, जैसे कोई टाइम इंटरवल दिया रहेगा तो तुम एवरेज लिखना, और किसी इंस्टेंट पे लिखना रहेगा तो इंस्टेंटेनियस लिखना, ठीक है। पार्टिकुलर टाइम पे लिखना रहेगा तो इंस्टेंटेनियस लिखना। अच्छा क्वेश्चन पेपर में ना ही इंटरवल दिया है ना ही एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया गया और सिर्फ कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वाला सहारा लेना, क्या बोल रहे हैं, जब क्वेश्चन में ना कोई टाइम इंटरवल है ना ही कोई टाइम गिवन है, यानी ना ही कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम गिवन है ना ही टाइम इंटरवल गिवन है, ठीक है। अरे इंटरवल में देगा तो एवरेज लिखना, इंस्टेंट पे देगा पार्टिकुलर टाइम पे देगा तो इंस्टेंटेनियस लिखना, दोनों में से कोई गिवन नहीं, कोई टाइम वगैरह का कोई चर्चा नहीं, तो हमेशा इंस्टेंटेनियस लिखना, कान खोल के बाहर डाल लो। जब क्वेश्चन पेपर में कोई टाइम का चर्चा नहीं हो तो हमेशा क्या बोलना इंस्टेंटेनियस, यानी जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहलाएगा, ठीक है ध्यान दो। और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है वही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कहलाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस ही क्या बदल जाएगा रेट में बदल जाएगा, जो इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं उसको आप उस समय सिंपली से आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, ठीक है। मेरी बात को समझ में आया, क्या बोल रहे, फिर से मैं रिकॉल कर दूं लास्ट बार कि सर
एवरेज कब लेना, जब एक इंटरवल में क्वेश्चन दिया रहेगा कि इतना से इतना सेकंड के बीच मेरा रेट के बारे में कमेंट करें, ठीक है, कहेगा 10 सेकंड पे रेट बताइए, तो इंस्टेंटेनियस। जब कोई टाइम वगैरह नहीं चर्चा, सवाल को फ्रेम किया हुआ है, तो हम इंस्टेंटेनियस को ही लेके आगे बढ़ेंगे, और इंस्टेंटेनियस को नॉर्मली आप रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जो इंस्टेंटेनियस है वही आप रेट ऑफ रिएक्शन भी बोले नॉर्मली भाषा में, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, सबको टर्म पढ़ने आया, ये टर्म क्या क्या है बोलो, बोलो रमेश, बोलो रमेश, ये क्या है माइनस डेल बाय डेल टी क्या कहलाता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और एवरेज की इंस्टेंटेनियस एवरेज, ठीक है, ये क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या ए, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, टर्म पढ़ने आ रहा ना सबको, ठीक है, कोड आउट, कोड आउट बोल दो, नहीं ना, पूरा क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट है बोलो, नहीं ना, ठीक है, अगले लेक्चर में इस पर रिलेटेड हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैंने क्या बोला, एवरेज कैसे निकालते हैं रेट, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा तो क्या सोचना है, ये मैंने सारी चर्चा कर दिया, ठीक है, कोड आउट। जैसे इस पर छोटा सा एक बात पूछता हूँ, देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, ध्यान दो, जैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, एन टू गैस प्लस थ्राइस एच टू गैस से हम लिख रहे हैं टू एन एच थ्री गैस, अमोनिया का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, हम आपसे पूछे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू, ROD का मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, तो तुम क्या लिखोगे, माइनस क्या लिखो बोलो, डी एन टू बाई डी टी लिखोगे ना, अरे टाइम वगैरह का कुछ चर्चा है क्या, नहीं है ना, तो मैं क्या बोलो, जब कोई टाइम वगैरह का चर्चा ना हो तो हमेशा इंस्टेंटेनियस के मतलब D वाला टर्म यूज करो, ठीक है, बोलो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 बोलो, बोलो माइनस डी एस टू बाई क्या डी टी, अरे क्वेश्चन में जब कोई टाइम वगैरह चर्चा नहीं तो हमेशा इंस्टेंटेनियस वाला लिखो, ठीक है, वैसे ही बोलो रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ NH3 बोलो कैसे लिखोगे, प्लस डी एन एच थ्री बाई क्या डी टी, समझ में आ रहा है सबको, बोलो कोड आउट। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखोगे, R इक्वल टू क्या लिखोगे, डी माइनस डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू बोलो 1 बाई थ्री माइनस बोलो डी एस टू बाई डी टी, ठीक है, और बोलो बेटा क्या 1 बाई टू प्लस डी एन एस थ्री बाई क्या डी टी, सबको समझ में आया बोलो, अरे समझ में आया सबको, कोड आउट। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ये सब समझ में आया, रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे लिखते हैं वो सब समझ में आया, मीनिंग समझ में आया सबको, कोड आउट। अरे यहाँ कोई टाइम का चर्चा नहीं तो चुपचाप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब टाइम का कोई जिक्र नहीं करे तो चुपचाप इंस्टेंटेनियस को ही रेट मानो, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब यहाँ को रेट ऑफ रिएक्शन से बोल रहा है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस बोलता है, ठीक है, कोड आउट, नहीं ना, अरे बोलो भाई, परेशान आत्मा कुछ बोल लो, ठीक है, नहीं ना, ठीक है, तो अगले लेक्चर में इस पर सवाल हम करेंगे, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, और टर्म का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, कौन सा टर्म अपीयरेंस बता रहा है, कौन सा टर्म डिसअपीयरेंस बता रहा है, कौन एवरेज बता रहा है, कौन इंस्टेंटेनियस बता रहा है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है, और फॉर बोर्ड पॉइंट भी चुपचाप इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखो, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, और टाइम इंटरवल दिया रहेगा तो एवरेज ही निकालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके बाय, ठीक है, जाइए खाइए आराम करिए थोड़ा।